हाय गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ वेज सीख कबाब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है और मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ लिया है मैंने जीरा, अब मैंने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्च एक और यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने यूज़ किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इस सबको अच्छे से भूनेंगे एक दो मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैंने यहाँ पे ली है बारीक कटी हुई गाजर, थोड़े से मटर और एट लास्ट कैप्सिकम, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अब हम सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और इसे कुक होने देंगे। अब इन सारी सब्जियों को हम लोग अच्छे से भूनेंगे दो तीन मिनट के लिए। उसके बाद अब हम इसमें लेंगे आलू, बॉइल्ड आलू लिया है, और कुछ मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला, और सबसे ज़रूरी नमक, जिसके बिना स्वाद अधूरा है। मसालों को अच्छे से सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। आलू के जितने भी बड़े टुकड़े हैं इन सबको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो जाए। फिर मैंने इसमें लिया है पनीर और भुना हुआ बेसन। भुना हुआ बेसन हमारा एक बाइंडिंग का काम करेगा, हमारे कबाब इससे टूटेंगे नहीं। इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और पनीर के बाद इसको हम लोग एक दो मिनट के लिए और कुक करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस, और अब हमारा ये मिक्सचर जो है कबाब का ये एकदम रेडी है। अब हम इसको साइड करके ठंडा कर लेंगे और इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी हमारे एज बाइंडिंग का काम करेगा कबाब में, तो हमने यहाँ पे बाइंडिंग के लिए दो यूज़ किया है चीज़ें, एक भुना हुआ बेसन और ब्रेड क्रम्स। अब हम कबाब्स को शेप देंगे, तो सबसे पहले अपने हाथों में ऑयल लगा लेना है ताकि मिक्सचर चिपके ना और हम लोग उसे अच्छे से शेप दे सकें। सो, यहाँ पे मैंने ये वुडन स्टिक यूज़ किया है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप इसको टिक्की का शेप भी दे सकते हैं, बट वो फिर सीख कबाब नहीं रहेगा, वो सिर्फ वेज कबाब होगा, बट टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आएगा। तो ये मैंने इसको शेप दे दी है। इस रेसिपी में शेप देना ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि टूटने के बहुत चांसेस हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे तवे में ऑयल ले लिया है। पहले मैंने, मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा ऑयल है, तो मैंने फिर इसको कम किया और इसको मैंने शैलो फ्राई किया है। क्योंकि यहाँ पे मैं नॉन स्टिक यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप चाहें इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। तो इसको हर साइड से अच्छे से पका लेंगे और हमारे कबाब्स रेडी हैं। अब इसमें मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया है, इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा, और इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप लोग ट्राई करना इस रेसिपी को और अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।